गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल वेल एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 3, द प्रोटेस्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन। डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑर्गेनाइज्ड? क्या आप सबको पता है कि ऑर्गेनाइज्ड का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है? इट मीन्स टू हैव थिंग्स इन अ ऑर्डर एंड इन देयर प्रॉपर प्लेस। इसका मतलब है कि चीज़ों को एक तरीके से रखना और उनकी प्रॉपर जगह पर रखना। ऑब्जर्व हाउ थिंग्स अराउंड यू आर ऑर्गेनाइज। ऑब्जर्व कीजिए, अपने आसपास देखिए कि आपके आसपास चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज हैं। टाइम टेबल्स एंड लिस्ट, टाइम टेबल्स जो बने होते हैं, जो हमारी क्लास में भी होता है टाइम टेबल, कोई लिस्ट बनी होती है। लाइब्रेरी में बुक्स हैं, वेसल्स इन किचन, बर्तन है रसोई में। योर फिंगर्स एंड टोज, जो आपकी उंगलियाँ हैं, अंगूठे हैं। पेटल्स इन फ्लावर, पंखुड़ियाँ जो फूलों के साथ हैं। Isn't nice? ये बहुत अच्छी है ना, अच्छी नहीं है क्या? अच्छी है। When things follow order, कैसा लगता है जब चीज़ें order को follow करती हैं? Without order there would be a chaos. अगर order ना, एक order में ये चीज़ें ना चलें तो सब हौचपोच हो जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। No one would find anything, कोई भी अपनी एक चीज़ को ढूंढ नहीं पाएगा। And of nowhere to go, पता भी नहीं लगेगा कि चीज़ कहाँ चली गई। People would start complaining, लोग शिकायतें करनी शुरू कर देंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं। Read on to know how one little boy learns about this. अब आप जानेंगे इस स्टोरी के ज़रिए कि एक छोटे बच्चे ने कैसे इस चीज़ को सीखा। So let's start reading and comprehension. Let's read. It was time to go home. क्या घर जाने का समय था। रजत picked up his school bag. रजत ने क्या किया, पिकड अप मतलब अपना स्कूल का बैग उठाया। ऑन द वे टू हिज हाउस, अपने घर के रास्ते को पर जाने के लिए, ही सा एन आर्मी ऑफ एंट्स, तभी उसने बहुत सारी कीड़ियाँ, एंट्स हम बोलते हैं छोटे छोटे बारीक से कीड़ी होती है ना, उनको बोलते हैं, उनको देखा। ठीक है, आर्मी ऑफ एंट्स इसलिए यूज़ किया कि बहुत सारी थी। ही सेट डाउन टू ऑब्जर्व दैम, वो बैठ गया और उनको देखने लगा। ही नोटिस, उसने क्या नोटिस किया, हाउ दे हेल्प ईच अदर कैरी फूड, कि वो एक दूसरे को कैसे हेल्प करती हैं भोजन को कैरी करने के लिए। ही स्लोली गॉट अप एंड स्टार्टेड टू वॉक अगेन, वो धीरे धीरे उठा और उसने चलना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम ही हर्ड सम पपीज विनिंग, तो थोड़े समय बाद उसने महसूस किया, सुना कि कुछ पिल्ले क्या कर रहे हैं, विनिंग, आवाज़ें निकाल रहे हैं। देयर वॉज ए गार्बेज पाइल नियर बाय, वहीं पर एक कूड़े का ढेर भी था। लिटर ऑफ पपी वॉज स्टक इन गार्बेज पाइल, जहाँ पर वो फंस गए थे। ही क्विकली बेंड डाउन टू पिक देम अप एंड पुट देम इन टू द सेफ प्लेस, वो जल्दी से झुका और उसने उनको उठाया और एक सेफ प्लेस पर पहुँचाया। रजत रीच्ड होम एंड रैंग द बेल, रजत घर पहुँचा और उसने घंटी बजाई। द डोर वॉज ओपन बाय अ वरिड अजी, डोर किसने खोला, बहुत ही जो चिंता में थी उसकी अजी। अजी वट हैपन, ही आस्क हगिंग हर, उसने पूछा कि अजी क्या हुआ, और उनको हग किया, उनको गले मिला और तब पूछा उसने कि अजी क्या बात है, क्या हुआ, वट हैपन। आई हैव मिसप्लेस माई पेयर ऑफ ग्लासेस, कि उन्होंने क्या कहा, सैड अजी, अजी ने कहा कि मेरा चश्मों का जो पेयर है, चश्मे हैं, वो मिसप्लेस हो गए हैं, गुम गए हैं। पेयर ऑफ ग्लासेस मतलब मेरे चश्मे गुम गए हैं। डोंट वरी अजी, आई विल फाइंड देम, चिंता मत करो अजी, मैं तुम्हारे लिए उसे ढूंढ दूंगा। रजत ने कहा श्रगिंग ऑफ, अपने कंधे हिला के, जैसे हम बैग उतारते हैं ना घर पे जाते ही, तो उसने अपना बैग उतारा, एट द डोर पे ही उतार दिया। ही रेन टू अजीज रूम, और दौड़ा वो अजी के रूम की तरफ और किक्ड ऑफ हिज शूज, और अपने जूते भी, जैसे आप घर पे जाते हो ना फेंक के मारते हो, ऐसे ही उसने जूते उतारे। थ्रू हिज टाई, और अपनी टाई भी सोफे पर फेंक दी। अजी साइड एज शी पिक्ड अप ऑल द स्कैटर्ड थिंग, अजी ने देखा कि अब उसको ये सारी ही बिखरी हुई चीज़ें उठानी हैं, उठानी पड़ेगी। रजत रूम लुक एज ए टोरांडो हैड हिट, रजत का रूम ऐसा था जैसे वहाँ पे से कोई बवंडर होके निकला हो। देर वॉज अ पाइल ऑफ क्लॉथ्स ऑन वन साइड, वहाँ पर क्या था, एक कपड़ों का ढेर लगा हुआ था।
हिज बुक्स वर स्कैटर्ड एवरीवेयर, और उसकी किताबें इधर उधर बिखरी हुई थी। देयर वर पैकेट्स ऑफ चिप्स एंड टॉयज ऑल ओवर द फ्लोर, वहाँ पर कई तरह के चिप्स के पैकेट थे, खिलौने थे और जो भी फर्श पर बिखरे थे। अजी लुक वरिड, वो भी बहुत चिंता से उन्होंने देखा। ही वॉज सच अ केयरिंग चाइल्ड, ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, ये बहुत ही केयरिंग बच्चा है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। बट वैन विल ही लर्न टू लुक आफ्टर हिज थिंग्स, वंडर अजी, लेकिन ये कब सीखेगा कि अपनी चीज़ों को कैसे संभाला जाता है। अजी बहुत हैरानी से हैरान हो गई। बट अजी नीड्स नॉट हैव वरीड, लेकिन उनको इतनी चिंता की ज़रूरत नहीं पड़ी। रजत सिंह हैड डिसाइडेड दे हैड हैड इनफ, रजत की जो चीज़ें थी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब बहुत हो चुका। दे बिगेन टू टॉक विद ईच अदर, और उन्होंने एक दूसरे से बात करना शुरू किया। यू शुड सी द वे ही थ्रोज मी अबाउट, सेड द स्कूल बैग। स्कूल बैग क्या बोला, तुमने देखा कि उसने कैसे मुझे फेंक कर मारा। वट अबाउट अस, आस्क्ड अ पेयर ऑफ सॉक, वी स्मेल सो बैड, वी नेवर हैव वन। और जराबे क्या बोली, पर हमारे बारे में सोचो, ठीक है कि हमारे से कितनी गंदी स्मेल आती है, हमें कभी धोया भी नहीं गया। आई थॉट ही वुड टेक केयर ऑफ फॉर मी, आई वॉज गिवन हिम टू ऑन हिज बर्थडे बाय हिज अजी, सेट द ब्रांड न्यू बट क्रम्बल्ड ब्लू एंड वाइट शर्ट। मैंने सोचा था कि वो मेरी बहुत केयर करेगा क्योंकि मुझे उसकी आजी ने उसके बर्थडे पर दिया था, जो उसकी ब्रांड न्यू ब्लू और वाइट शर्ट थी वो क्रम्बल्ड हुई पड़ी थी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बल पड़ गए थे। ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ मी वंस, वो एक बार मेरे लिए भी बहुत, मुझे पाने के लिए भी बहुत इच्छुक था। बट नाउ लुक, लेकिन अब देखो, ही वॉज डम्प मी इन अ कॉर्नर, उसने मुझे एक गंदे कोने में गिरा रखा है। आई लुक सो डर्टी, कितना गंदी दिख रही हूँ मैं। ही डजेंट इवन प्ले विद मी एनी लॉन्गर, और वो अब तो मेरे साथ इसके साथ खेलता भी नहीं है। क्राइड द रिमोट कंट्रोल कार, रिमोट कंट्रोल कार भी चिल्ला कर बोली। हिज पाइल्स ऑफ बुक्स टॉयज हिज क्लोथ्स ऑल कंप्लेंड अबाउट हाउ बैडली ही ट्रीटेड देम, उसकी किताबों का ढेर, खिलौनों का ढेर, कपड़ों का ढेर, सब शिकायत कर रहे थे कि वो उनके साथ कैसा बैडली ट्रीट कर रहा है, मतलब बर्ताव कर रहा है। लेट्स टीच हिम अ लेसन, सेट द स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म ने तभी कहा कि चलो उसे एक अच्छा पाठ पढ़ाएंगे। दे ऑल गैदर एंड प्लान अ नेस्टी सरप्राइज फॉर हिम, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक बेकार सा, जो उसको अजीब सा सरप्राइज देने का मन बनाया, प्लान किया, उन्होंने योजना बनाई। द नेक्स्ट थिंग, रजत गॉट अप अर्ली टू गो टू स्कूल, अगली सुबह रजत तैयार हो रहा था, होना था जब स्कूल जाने के लिए। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, और बहुत एक्साइटेड था। एज ही हैड हिज फुटबॉल मैच, और उसका वहाँ पर फुटबॉल मैच भी था। ही वेंट टू लुक फॉर हिज स्कूल यूनिफॉर्म, और वो क्या कर रहा था, अपने स्कूल यूनिफॉर्म को ढूंढ रहा था। हिज पेयर ऑफ सॉक्स एंड शूज एंड हिज स्कूल बैग, अपने जराबों के जोड़े को, जूतों को, अपने स्कूल बैग को। दैट दे ऑल वैनिश्ड, वैनिश मतलब वो तो एकदम से गायब ही हो गए। अजी टू कुडंट फाइंड देम, अजी भी उनको नहीं ढूंढ पाई। तो ठीक है बच्चों, हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो आपने भी इसको घर पे अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।